and this video is being recorded from the beautiful valley of Hunza. So हमने just अभी अभी अपनी जो acclimatization hike है वो शुरू की है. उसमें बस the only trick is के to go slow, take small steps और कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है. So finally हम अपनी campsite पे पहुँच गए हैं. अभी सुबह के 6 बज रहे हैं आई थिंक और हमारा नाश्ते का टाइम हो गया है. गुड थिंग इज़ पता नहीं कैसे हम सारे बिल्कुल टाइम पे उठ गए. आई थिंक वी वर अप बाय 5 AM. तो सब ने आराम से मुँह हाथ धोया, पैकिंग वगैरह भी ऑलमोस्ट कर ली है. तो बस नाश्ता करेंगे. नाश्ते के बाद हमारा जो कल रात एम बना था वो यही था कि हम 7 बजे निकल जाएँ, क्योंकि आज का ट्रैक थोड़ा लंबा है. जिस पेस से हम कल गए थे शायद उस हिसाब से हमें 8 से 9 घंटे लग सकते हैं. तो इसलिए जितना जल्दी जाएँ उतना अच्छा है, ताकि गर्मी भी कम मिले और क्या कहते हैं जितना जल्दी हो सके पहुँच जाएँ, ताकि आगे भी रेस्ट प्रॉपर मिले. जो आज का ट्रैक है ये लेग सबसे मुश्किल है आई थिंक. इसके बाद जो आगे वाली लेग्स हैं टिल बिफोर द समिट डेज वो ईजी ही हैं. तो अभी बस हम नाश्ता करेंगे और फिर जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलेंगे. अभी कोई हाफ एन आवर या 45 मिनट्स पहले हमारा ट्रैक शुरू हुआ है और आज का ट्रैक काफ़ी लंबा है. लेकिन अभी ये है कि जो हमारी ट्रेन है वो बस ऊपर नीचे, बीच में सेंड, बीच में डिसेंड, इस तरह ही हम चल रहे हैं. बट हम क्योंकि आज लंबा ट्रैक है इसलिए काफ़ी स्लो जा रहे हैं, ताकि स्टेमिना जो है वो ज़्यादा देर तक बरकरार है. आगे एक हट आता है जहाँ पर हम जाके क्या कहते हैं लंच ब्रेक भी करेंगे और फिर जो मेन कैंप साइट है उसकी असेंड हम कंप्लीट करेंगे. हम अपना कोई ऑलमोस्ट 3 घंटे का ट्रैक करके एक जगह पहुंचे हैं. नॉट अ प्रॉपर कैंप साइट बट जैसे वो होता है ना एक स्टे एरिया, तो ये वो है. इसका नाम है पस्त फजीन. यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे बट लेकिन हमारा लंच यहाँ पे नहीं है, लंच थोड़ा इससे आगे है. तो यहाँ बस ब्रेक लेंगे. यहाँ पानी भी है तो एवरीवन कैन रीफिल देयर बॉटल्स वगैरह और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा ही आगे आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली वो जगह, वहाँ पे हमारा लंच है और उसके बाद फिर आगे कैंप साइट की तरफ. अभी तकरीबन 12:15 का टाइम है और हम अपनी लंच वाली साइड पे पहुंच गए हैं. ये बेसिकली उच फरजीन इस जगह को कहते हैं जहां पर ये मुसाफिर खाना बना हुआ है. मुझे याद है जब लास्ट टाइम हम स्नो लेक की तरफ से आ रहे थे तो ये हमारा लास्ट कैंप था.
इधर हम सोए थे, फिर इधर से नीचे डायरेक्ट शमशाल गए थे, यानी कि हम अपोजिट साइड से आ रहे थे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ लंच ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना पानी नहीं है, इसलिए हम यहाँ कैंप नहीं कर सकते। तो बस यहाँ लंच करेंगे, ब्रेक थोड़ी लंबी ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद तकरीबन हम 3 से 4 घंटे, हमारा 4 से 5 घंटे और है एक और कैंप साइट की तरफ। उधर भी ये है कि पानी 50-50 है, तो हमें मतलब इतना कंफर्म नहीं कि वहाँ पानी मिलेगा कि नहीं। अगर उधर पानी मिल गया तो उधर ही कैंप करेंगे, वरना उससे 1 घंटे आगे एक और जगह है जो कि बिल्कुल नाले के साथ है, तो उधर तो कंफर्म है कि पानी मिलेगा। तो अभी ये सूरत हाल है, यहाँ लंच करके पहली साइट चेक करेंगे, उधर पानी मिल गया तो ठीक है, वरना आगे महीना महीना दो महीना भी अब ठहरता होगा इधर। दो महीना तो नहीं, बाकी 20-25 दिन। अभी हमने लंच ब्रेक के बाद एक बहुत ही मेजर असेंट कंप्लीट की है। वो असेंट जैसे ही आप कंप्लीट करते हो फिर उतनी ही डिसेंट करनी होती है, बट इस डिसेंट के बाद ये जो मेरे पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये हमारे ट्रैक की आज आखिरी असेंट है, और ये सबसे मुश्किल असेंट है, क्योंकि ये स्टीप बहुत है। एक तो लंबी भी है, ऊपर से स्टीप बहुत है। तो अभी हम थोड़ी सी यहाँ ब्रेक लेंगे, क्योंकि इस असेंट के लिए हमें अपनी सारी एनर्जी चाहिए। बट जो पहली कैंप साइट थी, अगर वहाँ पानी मिल जाता है तो वो इस असेंड के बिल्कुल बाद है। तो उम्मीद है कि असेंड कम्प्लीट हो, जैसे ही कम्प्लीट होगी तो कैंप साइट आ जाएगी, तो फिर वहाँ पानी का सिलसिला देखेंगे। अगर पानी हुआ तो वहीं स्टे, वरना थोड़ा सा और आगे लगा। आ रहे उसका वेट करते हैं। हमने तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे शायद लगातार असेंट कर दिए, तो जो हमारी मेजर असेंट थी आज के ट्रैक की, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम वही करने लगेंगे, हम पहले पर्यंत सर जाएंगे, जो हमारी डेजिग्नेटेड कैंप साइट है, लेकिन हो सकता है कि उधर पानी ना मिले, फिर आगे जाना पड़ेगा। तो अभी बस आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो हमारे लिए खुशखबरी ये है कि पानी आ गया बहुत मेहनत के बाद। ऑब्वियसली ये जो हमारे पोर्टर्स हैं साथ गए, इन्होंने पहुंच के फिर ऊपर पाइप से कनेक्ट किया। वो अक्सर ये होता है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से या वैसे मतलब टूट जाती है, तो वो उसको रिपेयर करते हैं। फिर रिपेयर करने के बाद भी चांसेस होते हैं कि पानी ना आए, लेकिन उन्होंने ये सारा कुछ पॉसिबल बना दिया और अब पानी आ गया, विच मीन्स कि हमारा कैंप आज यहीं पर होगा। सो बस अभी टेंट वगैरह जैसे ही लगते हैं तो हम थोड़ा सा फ्रेश अप होते हैं, फिर खाना शाना होगा, और अब बस ये है कि रिलैक्स करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे का ट्रैक था, तो काफ़ी लंबा था, प्लस उसमें सेंड बहुत थी, तो अभी टांगों को काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। सुबह के 5:30 बजे हमारी वेकअप कॉल होती है, तो नाश्ता हमारा 6:30 होता है, लेकिन बिफोर दैट वी गेट एन आवर
पैकिंग वगैरह करने के लिए, रेडी होने के लिए। तो 6:30 तक हमारा नाश्ता, और फिर नाश्ते के बाद भी थोड़ा टाइम मिलता है जस्ट टू रैप एवरीथिंग अप, क्योंकि हम फिर 7:30 तक निकलते हैं। आज का जो हमारा ट्रैक है, हम जाएंगे शुजरब, जो कि एक छोटा सा गांव होता था पहले, गांव इन द सेंस के पहले लोग वहां रहते थे, बट फिर जैसे सर्दी बढ़ती गई और रिसोर्सेज लोगों को नीचे ज़्यादा मिलती थी, तो वो फिर ऐसा ऐसा शिफ्ट हो गए। कंपेयर टू यस्टरडे हमारा ट्रैक बहुत छोटा होगा, कल शायद हम ऑलमोस्ट 8 to 9 hours चले, आज मैक्सिमम 6 hours होपफुली, और जितनी कल असेंड थी वो इस तरह का कोई नहीं होगा, असेंड वगैरह नहीं है आज। तो आई थिंक आज का दिन रिलेटिवली ईजियर है, विच इज़ गुड फॉर द ग्रुप एज़ वेल, क्योंकि ये ईजियर डेज हेल्प यू रिकवर। तो बस अभी हम पैक करेंगे और नाश्ता करके टाइम से निकल जाएंगे, ताकि टाइमली पहुँचें और फिर वी गेट टाइम टू रेस्ट अलॉट एज वेल। मुश्किल ट्रैक भी था, हाईएस्ट एल्टीट्यूड भी है, और आप लोगों ने माशाल्लाह ज़बरदस्त ट्रैक किया, और हम बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहे हैं कि यू गाइस हैव एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। हमें लगा कि यार बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और इंशाल्लाह आगे के लिए भी हम अच्छे किए, हमें उम्मीद और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा है इंशाल्लाह। कम अज़ कम 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम अरबाब पर यहाँ पहुँच गए हैं। ये वही जगह है कि अगर कल वाली कैंप साइट पर हमें पानी ना मिलता तो फिर हमने इधर आना था, तो अभी हम उधर पहुँच गए। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे टूवर्ड्स आर कैंप साइट शुजरब। अभी हम थोड़ी देर पहले ही अपनी लंच साइट पे पहुँचे हैं, और इस लंच साइट पे पहुँचने के साथ साथ हमने अपना आज का हाफ ऑफ द ट्रैक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तकरीबन इतना ही टाइम और लगेगा आगे, रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, असेंड डिसेंड सीधा, मतलब कंपेयर टू यस्टरडे ऑब्वियसली टेरेन बहुत ईजी है। तो अभी इसी तरह की टेरेन फॉलो करते हुए हम आगे शुजरब पहुँच जाएँगे। होपफुली अगर इसी पेस से चलते रहें तो बाय 4:30 हम कैंप साइट पर होंगे। हमारी जो लंच ब्रेक थी उससे हम तकरीबन 3 घंटे की वॉक करके अपने कैंप साइट पहुँच गए। इस कैंप का नाम है शुजरब, और जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, ये जो है एक तरह से स्टे एरिया है उन लोगों के लिए जो अपने माल मवेशी जो हैं ऊपर ग्रेजिंग के लिए पास में छोड़ते हैं। एक इस तरफ गांव है, इसी तरह एक पास के उस तरफ भी गाँव है, इस वाले का नाम शुजरब है, और इधर ही हम आज स्टे करेंगे, और कल इंशाल्लाह यहाँ से हम इंशाल्लाह शिमशाल पास पहुँचेंगे, जो कि मिंगलित सर का बेस कैंप भी बनेगा। सो इट्स 8 AM, और थोड़ा सा लेट आज हम इसलिए उठे हैं बिकॉज क्या कहते हैं, आज हमारा सॉर्ट ऑफ रेस्ट डे है, तो नॉट ओनली वी गॉट टू स्लीप मोर,
लेकिन इसके अलावा जो हमारा ट्रैक है वो भी आज छोटा है, इट्स मैक्सिमम कह लें 3 आवर्स का टाइप। जो आज हमारी कैंप साइट है वो होगी शिमशाल पास पे, सो वी विल फाइनली बी रीचिंग शिमशाल टुडे। और जो कैंप साइट एग्जैक्ट उसका स्पॉट है वो मिंगलेक सर का बेस कैंप बनेगा, और फिर इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हम अपनी जो समिट्स के प्लान थे उनके लिए पुश करेंगे। एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये भी है कि हमारे एक्सपेडिशन के एक मेंबर उनकी एक एमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से वो वापस चले जाएंगी, तो उनको हेलीकॉप्टर अभी अवैक्यूएट करेगा यहाँ से, जो कि थोड़ी देर में आ जाएगा। तो आई थिंक हम ब्रेकफास्ट के बाद उसका वेट करेंगे, और फिर जब वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम शायद आगे जाएं। तो अभी ये सिचुएशन है, बट खैर द गुड थिंग इज़ के द वेदर इज़ गुड, और अगर इसी तरह मौसम रहा तो इंशाल्लाह जो हम करने आए थे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बट ऑब्वियसली यू कैन नेवर बी टू कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो देखते हैं, उम्मीद तो पूरी है, इरादा पूरा है, कोशिश भी पूरी करेंगे, बट देखते हैं फिर सफ़र कैसा चलता है। हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है। जो आज का ट्रैक है इट इज़ प्रोबेबली द शॉर्टेस्ट ट्रैक ऑफ द जर्नी, और इसकी दो स्टेजेस हैं। एक तो हम ये जो है माउंटेन हिल सी जो है इस पे हाइक अप करेंगे, और जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे तो शिमशाल पास की जो बाउंड्री है या टेरिटरी है वो शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर बिल्कुल प्लेन रास्ता, मेडोज, लेक्स, काफ़ी खूबसूरत जगह, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के मैं आपको वो सारा व्यू भी दिखाऊंगा वीडियो में। तकरीबन घंटा अपनी वो हाइक की है, और वो करने के बाद हम एंटर हो चुके हैं शिमशाल पास की टेरिटरी में। एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी पूरा लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गया, लाइक ग्रीन स्नो प्लेन, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। बस ये हमारी हाइक थी आज की, आगे बस ऑलमोस्ट स्ट्रेट वॉक है।
हम लोग ने अपनी वही घंटे की तकरीबन वॉक करके तो अब हम पहुंच गए हैं शिमशाल पास वाली कैंप साइट पर। ये कैंप साइट जो है इट विल ऑल्सो सर्व एज़ द बेस कैंप ऑफ मिंगलेक्सर। और मिंगलेक्सर अगर आपको मेरे पीछे अगर बैकग्राउंड में नज़र आ रही हो, ये मिंगलेक्सर है, लेकिन इसको हम परसों अटेम्प्ट करेंगे, अभी कल हमने कोई सर करनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जितनी ये प्यारी जगह है, मतलब इर्द गिर्द बिल्कुल प्लेन ग्राउंड्स हैं और यहाँ पे मतलब चश्मे बह रहे हैं, तो आपको ना एक ऐसे लगता है आप जन्नत में आ गए हो। अभी बस ये है कि कुछ देर तक हम कैंप वगैरह सेट करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ना हार्डली 5 मिनट्स की वॉक के बाद दो लेक्स आती हैं बहुत खूबसूरत किस्म की, तो हम फिर उधर जाएंगे, लेक्स को देखेंगे, वहाँ पे चिल करेंगे। तो ये है हमारा आज का प्लान। आज का ट्रैक थोड़ा छोटा इसलिए था ऑब्वियसली कि हम रेस्ट देना चाह रहे थे बॉडी को, क्योंकि फिर अगले 2 से 3 दिन थोड़े से मुश्किल हैं, तो उस वजह से आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्स रखा है। यहाँ पर धूप इतनी तेज़ है इस वक्त कि अगर आप कैंप के अंदर बैठो तो ऐसा लगता है आप ओवन में बैठ गए हो, तो ज़्यादा देर कैंप में बैठा नहीं जा सकता। बाहर अच्छी हवा भी है तो उसकी वजह से ना वो कॉम्पनसेट हो जाता है। बस अब थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम उस वॉक के लिए ही निकलेंगे। तो जी ये है वो लेक, वन ऑफ द लेक्स जिधर हम मतलब जिसका मैंने आपको बताया था। इनके नाम तो नहीं मुझे पता एग्जैक्टली यहाँ पर लोकल ने क्या नाम रखे हुए हैं, बट तब मैं जब आया था तब मैंने इनको शिमशाल लेक 1, शिमशाल लेक 2 कह दिया था। तो ये बेसिकली शिमशाल लेक 2 है, ये थोड़ी छोटी है, इससे बड़ी भी एक लेक है जो इसके बाद आएगी और उधर भी हम जाएंगे, तो वो भी मैं आपको सही तरह दिखाऊंगा। फिर मैं सॉक्स वगैरह पहनाया, मैंने ये नोटिस नहीं किया कि पाँव गीले हो जाएंगे। खैर अब तो हो गया हशर नशर, बट बात ये है कि मैं चाहता था मैं इधर ज़रूर पहुंचूं। इस लेक को देखे बगैर शिमशाल पास मुकम्मल नहीं होता मेरे लिए। तो अब मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, थोड़ी देर व्यूज़ इन्जॉय करूँगा, फिर हम थोड़ी देर बाद वापस चले जाएँगे।
صبح فریزنگ ٹمپریچر کی وجہ سے میرا موبائل بند ہو گیا جس کی وجہ سے میں صبح کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکا. اب سوری دھوپ نکلی ہے تو ہوپ فلی اب یہ چلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ پہلے یہ 85 سے ڈائریکٹ زیرو ہو گیا. میرے ساتھ بیٹھی ہے میری نیو گرل فرینڈ عبدالرحمٰن, میرا سب سے بیسٹ پارٹنر آن دا ماؤنٹین, اور اس نے آج مجھے سمٹ کرانی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا میں آپ کو باقی ویڈیوز میں دکھاؤں گا, یہ مجھے پل کر رہا ہوگا رسی سے, اور باقی گروپ یہ بیٹھا ہے سب. کتنے پیارے لگ رہے ہیں سب, واو. مدد بھائی کی مدد سے ہماری سمٹ ہو گئی سب کی, سارے گروپ کی سکسیسفلی. ڈسینڈ مکمل کرنے کے بعد ہم آلموسٹ دی کیمپ سائٹ پہ پہنچ گئے ہیں, ہارڈلی 2 منٹس ہوئے. اب بہت اچھا دن تھا آج کا, آبویسلی سمٹ بھی ہو گئی, بٹ اس کے علاوہ بھی ایز اے گروپ
we had a lot of fun. So I'm really really glad कि हमने एक चीज़ अचीव कर ली है, दूसरी पे हम कल से काम शुरू करेंगे. अब जस्ट गोना गो टू द कैंप साइट, थोड़ा सा चेंज वगैरह करेंगे, विल फ्रेशन अप एंड देन हैव फूड, क्योंकि भाई बहुत भूख लगी हुई है सुबह से. आखिर वापस आके हम बस फ्रेश हो गए और अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हमने समिट कर लिए, बट आई थिंक हम इतना सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर रहे कि अभी हमारा फोकस दूसरी पीक की तरफ भी है जिस पे हमने कल से अपना काम शुरू करना है. तो वापस आके आई थिंक हम सब वही मुँह हाथ धोया, फिर उसके बाद हमारे जो यहाँ कुक हैं और जो टीम है उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, तो हमने रज के खाया और अब सबके पेट भरे हुए हैं, सबको नींदें चढ़ी हुई हैं, मुझे खुद बहुत नींद आ रही है. एज़ फार एज़ जो दूसरी पीक है उसके लिए ये है कि अभी जो टेंटेटिव प्लान है वो ये है कि हम शायद कल दोपहर में उसके हाई कैंप के लिए निकल जाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर रात को 2 बजे हम अपनी समिट को शुरू कर देंगे. और वो थोड़ा सा एक मुश्किल दिन होगा क्योंकि हमें रात को 2 बजे समिट पुश के लिए करना है, फिर समिट अगर हो जाती है वो करके फिर ऑल द वे बैक शमशाल पास भी आना है, तो वो काफ़ी लंबा और एग्जॉस्टिंग डे होगा, बट आई थिंक वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रेस्ट बिफोर दैट. तो वो सब ये है. बाकी ये है कि अब सब आई थिंक थोड़ी सी कैंप साइट पर खामोशी, क्योंकि सब सोने चले गए हैं, थके भी हुए हैं और पेट भी बहुत भरा हुआ है, तो आई थिंक मैं भी अभी थोड़ी देर में बस सो जाऊँगा. आज हमारा शमशाल में 3रा दिन है और इतने रिलैक्स्ड हम इसलिए हैं कि आज हमने सिर्फ जो है मिंगलिक के हाई कैंप तक जाना है. और जो हमारी प्लान है वो इस तरह है कि हम तकरीबन 3:30 बजे दोपहर में यहाँ से निकलेंगे, हाई कैंप तक हमें लग जाएंगे 2 से 3 घंटे, उधर पहुँचेंगे, रेस्ट करेंगे कोई पहले 6-7 घंटों का, और फिर वहाँ से सुबह 2 बजे हम समिट पुश के लिए निकल जाएंगे. ये हमने इस तरह की आइटिनरी इसलिए रखी हुई है कि एक तो ये कि हम चाहते हैं कि हाई कैंप पे हम कम से कम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है और वहाँ पे सोना और वैसे ही वहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो एक तो वो वजह है. दूसरा ये कि हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यानी कि जितनी सुबह हो सके हम समिट पुश के लिए निकलें, क्योंकि उस वक्त बर्फ़ होती है सख्त और फिर मौसम मूव करना आसान होता है. अगर गर्मी बढ़ जाए और बर्फ़ नरम हो जाए तो फिर आपके पाँव बहुत धंसते हैं और उतना ही फिर टाइम लगता है असेंड में भी इवन, और डिसेंड में और भी मुश्किल हो जाता है. तो ये प्लान है, अभी बस हम नाश्ता करके हटे हैं 10 बजे में, तो प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स, रेस्ट, प्रिपेयर एंड देन इंशाल्लाह 3-3:30 बजे वील बी ऑन आर वे टू द हाई कैंप. और इंशाल्लाह जिस तरह बड़े सुकून से और बड़े सक्सेसफुली हमने कल वाली सबमिट की है, अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह हम ये भी मुमकिन कर लेंगे और इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल एक्सपेडिशन होगा ये हमारा. थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस तो ज़रूर हो रही है क्योंकि ये आइडिया नहीं है कि समिट हो पाएगी कि नहीं, और ऑब्वियसली हमारी पूरी एक्सपेडिशन इसी चीज़ के बारे में थी कि हमने ये दोनों समिट्स करनी है. एंड वाइल द जॉब इज़ हाफ वे डन, वी स्टिल नो के जो रिमेनिंग हाफ है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है. और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है एंड इतनी बर्फ़ इस सीज़न में इस वक्त साल में नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वी हैव टू गिव इट अ गो और देखते हैं, उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा. सो हमारी पैकिंग वगैरह डन हो गई है, वील बी केयरिंग सम ऑफ आर इक्विपमेंट, एक्चुअली मोस्ट ऑफ आर इक्विपमेंट आर सेल्स, और सिर्फ कुछ सामान हमारे सपोर्ट टीम के साथ होगा. अभी बस एडवांस टीम जो है वो 2 बजे निकल जाएगी और हम 3:30 बजे निकलेंगे आफ्टर लंच, एंड देन बस इंशाल्लाह सब सही होगा. Sometimes I
guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. हम लोग तकरीबन 2-3 आवर्स की हाइक करके अपने हाई कैंप पहुंच गए एंड यहाँ पे हम सिर्फ रात को रेस्ट करेंगे एंड देन वील गो फॉर समर पुश अराउंड 2 AM. द फर्स्ट थिंग टू डू ओवर हियर आफ्टर सेटिंग अप कैंप इज़ टू पुट ऑन लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है और जब आप नीचे से हाइक करके आते तो पसीना आया होता है और उस वजह से हाइट के इशूज़ प्लस ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू get warm very very quickly. So मैं अभी वही कर रहा हूँ. As soon as I've done putting up the layers, I'll get in the sleeping bag and हमने इसी तरह अपने आप को गर्म रखना है because otherwise health issues बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. So as you can see सारी layers वगैरह पहन ली हैं, jacket and even the sleeping bag. तो सारे gloves वगैरह, बस gloves भी बस एक उतारा था phone use करने के लिए, but जितनी लेयर आप करनी है और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा लेयर्स पड़ी हुई हैं इन केस और ठंड लगे. तो आई थिंक अभी मैं फ़िलहाल सही फील कर रहा हूँ. बस ये है कि यहाँ पे रात गुजारनी है तो वो थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि अल्टीट्यूड भी ज़्यादा है, बट होपफुली वंस वी आर डन विद दैट फिर हम समिट पुश पे जाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से सीधा बेस कैंप तक डिसेंड करेंगे. तो बस ये कुछ घंटे हैं जो थोड़े मुश्किल हैं टिल द समिट ऑब्वियसली, बट बस अगर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने हमें हमारे लिए लिखा हुआ तो हम ये समिट भी कर लेंगे. हम लोग का समिट पुश स्टार्ट होने वाला है. वी हैव गॉटन रेडी, सारी लेयर्स पहन ली हैं जो पहनने वाली थी, सारा सामान जो है वो जिस तरह पैक करना था या पहनना था वो सब कुछ हो गया है. And I think hardly a matter of 5-10 minutes हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे for the summit push. It's about 3 AM right now, so hopefully 3:15 तक हम will be on our way. So बाकी बस अल्लाह ताला बेहतरी करे, that's all we can say and we'll give it our best. Summit for the look set, or I don't know, maybe we are at 600. So 400 meters short of summit. We are well in time. Time हमारे हाथ में है, जबरदस्त चल रहे हैं सब लोग, लेकिन हमें लग रहा है कि conditions ऐसी हैं कि जो काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं, especially शहजाद भाई, मदद भाई, इन लोगों की 10-10 summits हैं लुक सर की. So they think that if we go ahead for the summit, तो वापसी में एवलॉन्च का चांस है या किसी भी तरह से स्नो के क्लास होने का चांस है, और जो कि हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है. सो देयर फॉर वी आर डिसाइडिंग कि हम बिल्कुल ठीक होते हुए, टाइम हाथ में होते हुए भी 6 भी नहीं बजे, सो वी आर वेल इन टाइम, लेकिन कंडीशन को देखते हुए और ये देखते हुए कि 3 घंटे सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी है, आई एम डिसाइडिंग, वी आर डिसाइडिंग दैट हम समिट पुश यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि समिट हो जाए और हम वापस ना आए तो उससे बेहतर यह है कि हम वापस चले जाएं. थैंक यू. हियर वी जस्ट गॉट बैक टू द बेस कैंप. समिट तो नहीं हो पाई, बट आई गेस एवरीवन हु इज़ फैमिलियर विद माउंटेनियरिंग या उसके कॉन्सेप्ट्स, दे नो के माउंटेन पे आप किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते. आई मीन वो पहाड़ इधर ही है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू समिट इट,
बट अगर जान चली जाए तो ये पहाड़ क्या कोई भी पहाड़ समिट नहीं हो सकता. सो वी जस्ट केम बैक अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड ऑब्वियसली, क्योंकि होप तो यही था कि समिट हो जाए बट नहीं हो सका कंडीशंस, और इस उन वजह से नहीं हो सका जो हमारे हाथ में थी भी नहीं. अदरवाइज़ हमारी टीम बहुत सही जा रही थी. हम टाइम से जितने हमने अपने टाइम के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए थे हम उससे बहुत एडवांस चल रहे थे. बट खैर अभी ये है कि बेस कैंप पहुँच गए हैं तो टेक्निकली एक फ्री डे हो गया हमारा. तो वी जस्ट चिल, मे बी चेंज, शावर, जो जो काम नहीं कर सके थे पिछले कुछ दिनों में. बट खैर दैट्स फॉर दैट. और फिर इंशाल्लाह कल हमारी वापसी होगी एंड होपिंग कि यहाँ पास से नीचे विलेज तक हम दो दिन में पहुँच जाएंगे. डॉक्टर देख के खेली So today marks our final day at Shimshal Pass, in a way sort of marking the end of our expedition. और इस expedition को मैं हमेशा हमेशा याद रखूँगा for several different reasons. इस expedition में मैंने अपनी first successful summit भी की और I got to make many new friends and met many new people. I got to learn a lot of things and test myself physically and mentally. I also got to play on my strengths and weaknesses. So for one or more reasons, I think ye expedition mujhe kabhi bhulne nahi wala. And it again re-emphasizes on the fact ke mujhe in pahadon mein aana kitna pasand hai and how much it means to me and how much it positively affects me jab main yahan aata hu. I think I have never been fondly attached to something so much as I am to these beautiful mountains. I think this is the end of our story.